दोस्तों सिर्फ शनिवार और रविवार नहीं, इस बार आपको मुकाबलों का डबल डोज देखने को मिलेगा गुरुवार को भी। यानी कि भाई जो गुरुवार को मुकाबला होने वाला है, दो मुकाबले होने वाले, उसमें जो पहला मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच। भाई हम बात करेंगे दोनों की टीम की क्या कुछ 11 होने वाली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, बहुत क्लोज चले गई थी वो मुकाबला, लेकिन रनों से पीछे रह गए। और कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर है भाई, फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल की KGF, उसके अलावा कोई बल्लेबाज यहाँ पे चलता हुआ हमें नहीं दिखता, जिसके चलते मुकाबला यहाँ पर हाथ से गंवाना पड़ा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो भाई क्या कुछ 11 यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की रहने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल अगर मैं पंजाब किंग्स की करूँ तो भाई वो है लियाम लिविंगस्टन की फिटनेस, क्या है उनका फिटनेस अपडेट, कब वो आएंगे टीम में शामिल, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई मैथ्यू शॉट कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन जिस गति से यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्या उस गति से पंजाब कोई और बल्लेबाजी कर सकता है? जी नहीं, कोई नहीं कर सकता। लियाम लिविंगस्टन का इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है जब आपकी टीम में होता है कोई ऐसा प्लेयर जो आपके लिए 20 पे 50 कर सकता हो, सबसे लंबा छक्का बना मार सकता हो, आसिंग रेट उसके लिए मैटर करता ही ना हो, जब पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो 200 से कम में बात ना करता हो, तो ऐसा बल्लेबाज आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो भाई क्या है लियाम लिविंगस्टन की अपडेट और लियाम लिविंगस्टन के रहते क्या कुछ 11 यहाँ पर होने वाली, हम बात करेंगे। तो पहले चलते हैं बैंगलोर। तो भाई बैंगलोर की क्या कुछ 11 होने वाली है, आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो भाई बैंगलोर के लिए ओपनिंग करते हुए तो भाई क्या ही इसको तो मैं डिस्कस ना करूं तो ही बेटर है। भाई ओपनिंग तो फिक्स है, फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, उसके बाद महिपाल लोमरोर, अनलकी रहे थे पिछले मुकाबले में, 0 पे आउट हुए थे, उसके पहले अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, उसके बाद KGF को जो कंप्लीट करेंगे यानी कि जो जी है वो यहाँ पर आएंगे, यानी कि ग्लेन मैक्सवेल, और उसके बाद शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, उसके अलावा वेन पार्नेल / हेजलवुड। देखिए अभी यहाँ पे भी सवाल है, हेजलवुड फिट है नहीं, कोई अपडेट नहीं आ रही उनकी RCB कैंप की तरफ से, क्या है हेजलवुड का फिटनेस का स्टेट, क्योंकि इससे पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी कि 14 अप्रैल से ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर कहा था कि भाई 14 अप्रैल के बाद जो अगला मुकाबला होगा वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अब तक भी कोई अपडेट यहाँ पर हेजलवुड को लेके नहीं आई है। खबरें ये भी हैं कि भाई हेजलवुड को और ज़्यादा ध्यान से रखा जा रहा है, क्योंकि बड़ा असाइनमेंट आ रहा है उनका, एशेज आ रही है, WBC फाइनल के लिए बहुत अहम सदस्य बन जाते हैं, अगर यहाँ पर वो यहाँ से कुछ मुकाबले खेल देते हैं और उनकी दोबारा जो हाल ही में जो उनकी फिटनेस है वो ठीक हुई, उनकी इंजरी ठीक हुई है, वो दोबारा अगर उभर जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी WBC फाइनल में। तो यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर जॉश हेजलवुड का, जिससे शायद वो कुछ मुकाबले आपके लिए और मिस करते हुए नजर आए। तो भाई वेन पार्नेल / हेजलवुड जो कोई भी खेलेगा खेलेगा, उसके अलावा मोहम्मद सिराज और जो हमारा नया जिन्होंने इसी IPL में अपना डेब्यू किया यानी कि विजय कुमार विशक, ये देखने वाली बात होगी। भाई पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए थे, अब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ उन्होंने लेकिन विकेट चटकाई थी, लेकिन जाते जाते इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक कर दिए थे। तो भाई अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर कप्तान विशक को बैक करेंगे। वैसे आपने हर्षल पटेल को काफ़ी ज़्यादा बैक किया था, जिसके चलते उन्होंने लास्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया भी था। पिछले मैच में तो खैर वो बैटिंग पैराडाइज था, तो वहाँ पे किसी भी गेंदबाज का बचना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी विजय कुमार विशक ने यहाँ पे ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, और मुझे लग रहा है कि अगले मैच में यहाँ पर विशक या फिर कॉल किसी को मौका मिलेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यहाँ पर फाफ डू प्लेसिस जो कप्तान है यहाँ पर विशक को और ज़्यादा मौके। भाई ये थी RCB 11, अब चलते हैं सीधा पंजाब की 11, क्या कुछ यहाँ पर पंजाब की 11 होने वाली है। तो ओपनिंग सॉर्टेड है भाई, शिखर धवन वापसी करेंगे, शिखर धवन प्रभ सिमरन सिंह जो पिछले मैच में सैम करने में कप्तानी की थी, बीमार थे शिखर धवन, लेकिन अब शिखर धवन ने वापसी करेंगे और ओपनिंग करेंगे प्रभ सिमरन सिंह, साथ साथ मैथ्यू शॉट और / लियाम लिविंगस्टन। भाई लियाम लिविंगस्टन को लेके जो खबर आई है वो ये आ रही है कि भाई जो मुकाबला होने वाला है गुरुवार को, उससे 24 घंटे पहले यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन को एक टेस्ट देना होगा, फिटनेस टेस्ट। अगर वो फिटनेस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो यहाँ पर 11 में मौका दिया जा सकता है लियाम लिविंगस्टन को। तो बड़ी अपडेट है लियाम लिविंगस्टन की फिटनेस को लेकर, बड़े सारे सवाल अटकले आ रहे थे कि भाई खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या है इतना टाइम से जो खबरें आ रही कि विल ज्वाइन, विल सी यू सून, सी यू सून, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पा रहा था उनको। और लेकिन अब जो खबर आई है वो यही है कि भाई 24 घंटे पहले मैच से वो एक फिटनेस टेस्ट देंगे, अगर वो फिटनेस टेस्ट वहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो PBKS की प्लेइंग 11 में यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन की वापसी है। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन के बाद सिकंदर रजा, सैम करन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, हरप्रीत बरार और कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, तो ये कुछ 11 यहाँ पर हो सकती है पंजाब की। भाई कगिसो रबाडा यहाँ पर फॉर्म में आ रहे हैं, सैम करन का भी ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है, तो भाई हरदीप सिंह, कगिसो रबाडा और हरप्रीत बरार, यानी कि जो बॉलिंग साइड है वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, और साथ साथ राहुल चहर को आप देख सकते हैं आप दूसरी पारी में अगर यहाँ पर गेंदबाजी करती है राहुल PBKS की टीम बतौर इंपैक्टर। तो भाई ये है PBKS की स्क्वाड जो प्लेइंग 11 है।
कह सकते हो। मैंने आपको पंजाब की स्क्वाड बताई, मैंने आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्क्वाड बताई। आपको क्या लगता है कि आप कुछ यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, और क्या यहाँ पर हर्षल पटेल को बाहर कर देना चाहिए था, या फिर यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन की फिटनेस को लेकर क्या अपडेट को लेकर आपको क्या रिएक्शन, आपको जो कुछ भी आपको लगता हो, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।